एक्साइटेशन की बात करते हैं तो एक्साइटेशन हमारे पास तीन टाइप का है। पहला अंडर एक्साइटेशन, दूसरा नॉर्मल एक्साइटेशन और तीसरा हो गया हमारे पास ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन, अब इन तीनों का मतलब क्या है? अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, इससे कैसे हम डिफाइन करें? नॉर्मल एक्साइटेशन क्या है, अंडर एक्साइटेशन क्या है और ओवर एक्साइटेशन क्या है? ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने एक आइडियोलॉजी सेटअप कर ली माइंड में कि नॉर्मल एक्साइटेशन हमारा तब होगा जब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्कस करूंगा, फेजर डायग्राम्स में भी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल एक्साइटेशन के केस में ऐसा क्या हुआ कि हमने ई एफ का मैग्नीट्यूड वी से इक्वेट कर दिया। बट अगर ऐसा है तो ये चीज कहाँ गया? ठीक है, तो इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल एक्साइटेशन तब होता है, सॉरी अंडर एक्साइटेशन तब होता है जब वी इज ग्रेटर देन ई एफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज ग्रेटर देन ई एफ। अब थर्ड केस तब होता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ। ठीक है, यानी कि इसमें तीन कंडीशन हो गई। एंड हाउ टू कंट्रोल दिस ई एफ, हम क्या कर रहे हैं? दिस इज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज दिस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तीनों पार्ट कॉन्स्टेंट हैं, ये हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि हम सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस चीज को कैसे चेंज कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ डीसी एक्साइटेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम डीसी एक्साइटेशन से ई एफ को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड ई एफ कंट्रोल होने की वजह से ई एफ फेजर का मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, हाँ बेटा, सर जब हम सर किताब में हंटिंग में पढ़ रहे थे तो सर यही चीज तो पावर फैक्टर से रिप्रेजेंट कर रखे थे उसमें कि अगर तुम्हारा नॉर्मल एक्साइटेशन है तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, फिर ये चीज कैसे रिप्रेजेंट करिए हंटिंग में नहीं होती बेटा ये चीज। हंटिंग इज समथिंग सर? डिफरेंट, हंटिंग इज अ फेनोमेनन। सुनो, हंटिंग इज अ सर फेनोमेनन जब, सुन तो लो पहले आप पूरी बात। हंटिंग इज बेसिकली अ फेनोमेनन, कौन सा फेनोमेनन है? जब किसी भी तरीके से आपने नॉर्मल सप्लाई प्रोवाइड करी है, ठीक है, नॉर्मल सप्लाई इन द सेंस तीनों में से कोई भी सप्लाई हो सकती है, किसी भी नेचर की सप्लाई हो सकती है। इट कैन बी अंडर एक्साइटेशन, इट कैन बी नॉर्मल एक्साइटेशन, एज वेल एज इट कैन बी ओवर एक्साइटेशन। अब अचानक से आपने मोटर के टर्मिनल पे लोड इंक्रीज किया है, या जनरेटर के केस में आउटपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट पावर जो आप ले रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको अचानक से इंक्रीज किया है। तो जब अचानक से आउटपुट इंक्रीज होता है, इनपुट तो अचानक से इंक्रीज नहीं हुआ, तो मेरी मशीन जिस स्पीड से रोटेट कर रही है उस स्पीड पे थोड़ा सा पहले स्लो होगी, देन इट मूव्स टू अ नॉर्मल वैल्यू। वो सिंक्रोनस स्पीड पे तो चलना है, तो उसने क्या किया, मोमेंटली सिंक्रोनस स्पीड को छोड़ा एंड थोड़ी देर के बाद उस स्पीड को वापस गेन करने के लिए क्या किया, उसने अपनी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दी अपनी स्पीड। तो जब ये प्रोसेस होता है तो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते करते रोटर मेरा कभी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, कभी मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस पोजीशन को, मोशन को बार बार ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होने में, इस चीज को हम हंटिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, हंटिंग का इससे कोई लेना देना ही नहीं है एक्साइटेशन से, एक्साइटेशन आप वहां पे फिक्स रखते हो। अब हंटिंग ओके को सर, रिड्यूस करने के, है ना, हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं या फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। हंटिंग फेनोमेनन का मतलब ये नहीं है कि वो एक्साइटेशन कंट्रोल कर रहे हो आप। ठीक है, एक्साइटेशन आप पर्टिकुलरली अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे कि अगर हम एक्साइटेशन कंट्रोल करते हैं तो इट हाउ डज दिस इफेक्ट ऑन पावर सिस्टम, पावर फैक्टर, सॉरी, हाउ दिस थिंग इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर ऑफ द प्लांट, पूरा कंप्लीट प्लांट। मैं केवल मशीन मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट प्लांट की बात कर रहा हूँ जहां पे ये मशीन लगाई हुई होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे हम होगा उसको एलोबरेट करेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज समझ में आई, एक्साइटेशन क्या है? एक्साइटेशन तीन टाइप की है बेसिकली, हमने तीन ही टाइप में डिफाइन की है, लेकिन रेंज होती है इनकी भी। ठीक
अलग अलग स्पेसिफिक, ठीक है। तो हाफ लोड के बारे में अंडर एक्साइटेशन अलग है, फुल लोड पे एक्साइटेशन अलग है, और वो चीज़ें अलग हैं। तो जैसे जैसे वो चीज़ें आएंगी, फिगर्स बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे, उस चीज़ में मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। बट कोई नहीं, तो अब हमें क्या करना है, हम इफेक्ट ऑफ वेरिंग एक्साइटेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये अंडरलुक करना है कि हम ईएफ को हम कंट्रोल करने से हमारे इंटायर पावर फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक थोड़ी देर में एक फेजर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। उस फेजर डायग्राम से ये तीनों कंडीशंस हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज, कुछ चीजें हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो मैं नोट कराना चाहूंगा आपके साथ। वो ये है कि जो हमारी ईएफ मतलब पावर होती है, पावर टू एनी सिस्टम अगर हम देखते हैं, तो इट इज गवर्न बाय ई इंटू वी अपॉन एक्सेस साइन डेल, यही होता है ना, वेयर डेल क्या है, माय लोड एंगल, ये इसको लोड एंगल भी कहेंगे, या मतलब एंगल बिटवीन ई एंड वी, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते। तो अगर सिंस दिस इज अ मोटर, तो ये एक पावर भी ड्रॉ कर रही होगी, तो दैट पावर विल बी इक्वल टू वी इंटू आई ए कॉस ऑफ फाइव। ये पावर वो मेरा सिस्टम से कंज्यूम कर रही है, अगर ये मोटर मैं कंसिडर करता हूं, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर विच इज कंज्यूमिंग फ्रॉम एंटायर मतलब फ्रॉम पावर सिस्टम। अब इसी चीज को एलोबरेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम फर्दर एलोबरेट करें, तो हमारे पास एक कंडीशन आती है दैट ईएफ, सिंस अगर मैं मशीन पे मानता हूं, मैं इनपुट जो है उसको कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, तो यहां से मेरे पास वी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे या तो ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ ई एफ साइन डेल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एज वेल एज आई ए कॉस फाइव इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बैरियर सेट कर रहा है, ये कंडीशन सेट कर रहा है फेजर डायग्राम पे कि हाँ दिस वैल्यू इज टू बी मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट, इससे ज्यादा आप एक्साइटेशन ना तो दे पाओगे, ना इससे चीज ज्यादा कंट्रोल होगी, ठीक है। अब हम बनाते हैं एग्जैक्ट जो मैं कह रहा था फेजर डायग्राम, इन दोनों कंडीशंस को हम वहां पे दिखाएंगे। सपोज हमारे पास V इज द सप्लाई एंड इट इज टेकन एज रेफरेंस, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं इनिशियली, एंड वी इज टेकन एज द रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ लाइंस स्केच कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ईएफ इज लैगिंग, ठीक है, ईएफ इज लैगिंग एज वेल एज ईएफ तो हमेशा लैग करेगा ही करेगा, एंड सिंस अगर ये ईएफ कंडीशन इज लीडिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, द मशीन इज ऑपरेटिंग एज अ जनरेटर, ठीक है। अगर लोड एंगल मेरा लीडिंग नेचर का है, तो इट इज एक्टिंग एज अ जनरेटर, इट इज लैगिंग इन नेचर, इट सिंपली मीन्स द मशीन इज ऑपरेटिंग एज मोटर, ठीक है। तो अगर मैं लोडिंग मतलब लोड एंगल इज डेल को मैंने लैगिंग बनाया, लेट अस कंसीडर दिस इज एज ई, बहुत अजीब सा हो गया यहां, नहीं इसको भी बड़ा बनाते हैं, इसको हमने वी बनाया, लेट अस कंसिडर दिस एज ई, ठीक
है, विच इज लैगिंग बाय अ सर्टेन एंगल ऑफ डेल। ठीक है, अगर अब हम इस चीज को एलोबरेट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज ई एफ साइन ऑफ डेल। ठीक है, एंड ये पार्ट क्या बन जाएगा, दैट इज ई एफ वन, कंसिडर करते हैं ई एफ वन कॉस ऑफ डेल। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है दिस ई एफ साइन डेल इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट। अगर मेरी मशीन को इसी कंडीशन पे रखना है, मोटर की कंडीशन पे रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, केवल ई एफ साइन डेल इस चीज को मैं कॉन्स्टेंट रखूंगा, यानी कि मेरा जो ये ई फेजर है दैट कैन बी इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, बट वो रहेगा इसी एक्सिस पे। ठीक है, यानी कि अगर मैं आई एम इंक्रीजिंग माई एक्साइटेशन तो मेरा फेजर कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, इफ आई एम इंक्रीजिंग फर्दर तो इस टाइप से। ठीक है, सच दैट दिस वैल्यू ई एफ साइन ऑफ डेल इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट। क्लियर, तो लेट अस कंसिडर दिस एज ई एफ टू एंड दिस एज ई एफ थ्री। ठीक है, एक मिनट, इसको नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए बनाते हैं, थोड़ा सा लैगिंग। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, अब देखो हमने मान रहे हैं कि दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, तो इसको हमने कह दिया लेट दिस बी नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, लेट दिस बी अंडर एक्साइटेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड दिस बी ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन एंड ओवर एक्साइटेशन। अब होगा क्या, ठीक है, अब जो मेरा करंट डेवलप होगा, ठीक है, सिस्टम में करंट डेवलप होगा इससे 90 डिग्री, लैगिंग और लीडिंग, नहीं सॉरी मिस्टेकनली। अब क्या है, देखो हम जो भी करंट बनाएंगे डेवलप करेंगे, ठीक है, सिंस दिस इक्वेशन इज टू बी सेटिस्फाइड, इस इक्वेशन को मुझे सेटिस्फाई करना है एट एनी कंडीशन, तो ई एफ प्लस आई ए एक्सेस मस्ट बी इक्वल टू वी। दिस कैन बी इक्वल कब हो सकता है, जब मैं इस फेजर को वी से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस फेजर को वी से कनेक्ट करूंगा एंड इस फेजर को वी से कनेक्ट करूंगा, अब मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ए। ठीक है, तो दिस इज आई ए एक्स, आई ए वन एक्स एस, लेट दिस बी आई ए टू एक्स एस, दिस बी आई ए थ्री एक्स एस। ठीक है, तो आई ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स एस, यानी कि दिस वेक्टर, ये परपेंडिकुलर कब हो सकता है, यानी कि आई ए वैल्यू इज एग्जैक्टली हियर। ठीक है, एंड इट इज सच दैट दिस इज आई ए कॉस फाई, ये चीज दिस इज फाई। ठीक है, आई ए कॉस फाइव, दिस वैल्यू इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट, एंड आई ए साइन फाइव, यही चीज हमने यहां लिखी है, दैट आई ए कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये वेक्टर बनाया हमने विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये हो गया हमारे पास आई ए वन। इस वेक्टर को लेते हैं, इस वेक्टर को जब हमने डिजाइन किया तो इस पे परपेंडिकुलर, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इस पे परपेंडिकुलर हो गया मेरा आई ए टू एक्सेस। ठीक है, इस एक्सेस के परपेंडिकुलर इज एग्जैक्टली दिस लाइन ओनली, तो यहां पे मेरे पास हो गया दिस वैल्यू
IA2, ठीक है। अब दिस लास्ट केस, लास्ट केस में क्या किया, मैंने एक्साइटेशन बनाया और फर्दर, तो अब मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर कहीं यहां जाएगा, तो दिस वैल्यू इज IA3, ठीक है, क्लियर। तो आप यहां देखेंगे अंडर एक्साइटेशन जब हमने किया डेवलप तो करंट वॉज IA1, जब हमने नॉर्मल एक्साइटेशन किया तो करंट वॉज IA2, एंड जब हमने ओवर एक्साइटेशन किया तो करंट जनरेटेड वॉज IA3, दैट इज, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो दिस इज माय वी एंगल, ठीक है, दिस इज माय वोल्टेज वी, तो दिस एंगल विल बी फाइव वन, फाइव टू हमारा जीरो हो गया, एंड दिस एंगल विल बी फाइव थ्री। तो फर्स्ट केस में जब हमने अंडर एक्साइटेशन दिया तो फाइव वन वॉज लैगिंग, सेकेंड केस में जब हमने नॉर्मल एक्साइटेशन दिया फाइव टू वॉज इक्वल टू जीरो, ये था हमारा यूनिटी, ठीक है। एंड थर्ड केस में हमारा क्या था, फाइव थ्री दैट वॉज इक्वल टू लीडिंग केस, ठीक है, आगे चला गया वी से, ठीक है। तो फॉर द सेम मशीन, द सेम मशीन वॉज ऑपरेटेड एट डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेशंस, एंड द मशीन गोज फ्रॉम लैगिंग पावर फैक्टर टू लीडिंग पावर फैक्टर, केवल हमने क्या किया, एक्साइटेशन को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम पहले यहां पे था IA1 पे, धीरे धीरे हमने एक्साइटेशन इंक्रीज किया तो ये धीरे 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 क्या हुआ, ये एक्चुअल में पहले ये फेजर होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट होगा, थोड़ा देर में इधर आएगा, थोड़ी देर में इधर आ जाएगा, देन धीरे धीरे अपवर्ड चले जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो द मैग्नीट्यूड ऑफ IA1, ये है मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक, दिस इज लार्ज, ठीक है। जैसे जैसे मैंने एक्साइटेशन इंक्रीज किया, यूनिटी पावर फैक्टर पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, द IA मैग्नीट्यूड इज द मिनिमम, यानी इसके बाद कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता इस लाइन पे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड दिस करंट विल बी मिनिमम करंट। तो जैसे जैसे हम नॉर्मल एक्साइटेशन पे आए, फ्रॉम अंडर एक्साइटेशन द करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर। अब इसी के साथ अगर पावर फैक्टर को लुकअप करें, द करंट जब हम अंडर एक्साइटेशन पे तो लैगिंग करंट था, जैसे जैसे हमने एक्साइटेशन बढ़ाई नॉर्मल एक्साइटेशन पे आए तो हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी आया, ठीक है, एंड फर्दर बढ़ गए तो हमारा पावर फैक्टर लीडिंग पे पहुंच गया, एंड करंट इज अगेन स्टार्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। तो इस चीज से अगर हम इस एक्साइटेशन थे कुछ समझते हैं, तो वो दो चीजें हैं, दैट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ठीक है, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन IA एंड IF, ठीक है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन IA एंड IF। इस ग्राफ को हम कहते हैं, बाद में अभी डिस्क्लोज करेंगे, अगर हम एक्साइटेशन लेट अस कंसीडर, हम यहां इस पॉइंट पे हैं विच इज नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है, एंड लेट दिस बी द वैल्यू ऑफ IA, दिस बी द वैल्यू ऑफ IF, फील्ड करंट। तो हमने नॉर्मल फील्ड करंट पे जो भी हमारा करंट आएगा दैट इज इक्वल टू IA, ठीक है, ये हमने नॉर्मल एक्साइटेशन करंट पे कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या किया, इस नॉर्मल एक्साइटेशन जैसे जैसे हम पीछे गए, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हम पीछे की तरफ आए द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है, एंड नॉर्मल एक्साइटेशन से जैसे हम आगे आगे गए द
एक्साइटेशन क्या कर रहा है, हमारा इस चीज को एलोबरेट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। दिस इज ऑपरेटिंग एज लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, एंड दिस इज ऑपरेटिंग एज लीडिंग पावर फैक्टर्स, क्लियर। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि दिस मशीन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, ठीक है, तो अगर हाफ लोड पे मेरी मशीन ऑपरेट होगी तो हाफ लोड पे मेरी मशीन का कर्व कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा कर्व हाइप हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। थोड़ा सा और हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो लेट अस कंसीडर दिस इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज लोकस ऑफ, ठीक है, लोकस ऑफ यूनिटी, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, दिस इज मिनिमम, ठीक है। तो यहां पे हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिला इस एक्सिस पे, ये हमारा नो लोड के केस में हमारा ग्राफ हो गया, एंड ये हमारा फुल लोड के केस में हो गया। तो इस कर्व को अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसकी शेप में है, वी की शेप में, एंड हेंस दीज ग्राफ्स आर नोन एज वी कर्व्स, ठीक है, सिंस दीज ग्राफ, ठीक है, आर इन द शेप ऑफ वी, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं द वी कर्व, क्लियर। ये चीज समझ में आई यहां तक? यस सर। तो वी कर्व क्या है बेसिकली, इट इज अ प्लॉट बिटवीन आई ए एंड आई एफ, इट इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ लाइंस, एक लाइन नहीं है, एक लाइन बना दी, इट इज अ बेसिकली अ फैमिली ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए हैं, ठीक है, इट इज अ फैमिली ऑफ लाइंस बिटवीन आई ए एंड आई एफ, ठीक है, सिंस दीज लाइंस अपीयर्स टू बी इन वी शेप एंड हेंस नोन एज वी कर्व्स ऑफ द सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है। अब लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है, मैं इस चीज को भी एलोबरेट करता हूं। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये सिस्टम से रियल पावर तो हमेशा कंज्यूम कर रही है, ठीक है, रियल पावर इस कंडीशन में हमेशा कंज्यूम हो रहा है, जब तक ये मेरी मोटर है तो कंज्यूम मेरी करेगी करेगी, ओनली द डिफरेंस इज रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर कब कब कंज्यूम कर रही है, ठीक है, कब नहीं कर रही है वो हम देखते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब ये है कि द मशीन इज टेकिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि माइनस क्यू लिख सकते हैं, नेगेटिव क्यू, नेगेटिव क्यू इट मींस द मशीन इज टेकिंग पावर फ्रॉम, रिएक्टिव पावर फ्रॉम द पावर सिस्टम, ठीक है। तो क्यू आर कंज्यूम्ड, ठीक है, क्यू यहां पे क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, माइनस क्यू कंज्यूम नहीं, मतलब क्यू इज कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड की टर्म्स में डेफिनेशन दिया, या सिंपली इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू, ठीक है, बहुत दोनों ही चीजें सेम है। अगर मैं यहां लिखता हूं माइनस क्यू डिलीवर्ड, माइनस क्यू डिलीवर्ड का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ डिलीवरिंग इज कंज्यूम। तो इस तरीके से भी कई बार गेट क्वेश्चंस में घुमा फिरा के पूछी गई है चीजें कि अगर हम क्यू डिलीवर कर रहे हैं तो माइनस क्यू क्या होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली इस टाइप से सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर हम माइनस क्यू डिलीवर करते हैं किसी भी सिस्टम में तो व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है, माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया, द सिस्टम इज कंज्यूमिंग पावर, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं प्लस क्यू, प्लस क्यू मतलब होता है द पावर सिस्टम इज, सॉरी, द मोटर इज डिलीवरिंग पावर टू पावर सिस्टम, तो यानी कि ये क्या हो गया, क्यू डिलीवर्ड, ठीक है, यहां पे पावर सिस्टम रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, यहां पे, सॉरी, पावर सिस्टम नहीं, द सिंक्रोनस मोटर कंज्यूम्स द पावर फ्रॉम एट दिस पॉइंट एंड इट डिलीवर्स द पावर एट लीडिंग बार्स, ठीक है। तो सेम मशीन ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर्स एज वेल एज यूनिटी पावर फैक्टर एज वेल एज लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट है
ये मशीन उस जगह पे फिट कर सकते हो आप। ठीक है, मान लिया आपने एक प्लांट बनाया, आपने एक पूरा का पूरी फैक्ट्री बनाई, ठीक है, एंड एक प्रोसेस बनाया, उसके अंदर आपको यू आर रिक्वायरिंग -30 MVAr, ठीक है, तो हम एक ऐसी मशीन डेवलप करेंगे जो हमारी ये +30 MVAr को सप्लाई करेगी, जिससे कि हमारा इस प्लांट का पावर, ओवरऑल पावर फैक्टर कैन बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो इसलिए इस मशीन को पावर फैक्टर मॉडिफायर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर कि ये मशीन क्या कर रही है, पावर फैक्टर को मॉडिफाई कर रही है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्यों आप इससे सप्लाई कर सकते हो, देखो, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रिएक्टिव पावर आप सप्लाई कर सकते हो, केवल और केवल डीसी एक्साइटेशन कंट्रोल करके। ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई कर दो, एक्सेस में सप्लाई हम कभी नहीं करते हैं, हम लीडिंग पावर फैक्टर्स में कभी भी नहीं बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहले यूज हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में हम स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम, सॉरी स्टैटिक कंट्रोल्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, SVAR वगैरह कुछ डिवाइसेस आ गई हैं जो पावर फैक्टर को मॉडिफाई करने में काम करती हैं। ठीक है, चलो ऑन कर दो। चलिए, फर्दर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डिस्कशन सर एक की? बार और बता देना सर, एक प्लस क्यू का और माइनस क्यू का वाली बात। हाँ, प्लस क्यू बेटा होता है द रिएक्टिव पावर इज सप्लाइड फ्रॉम योर एंड। ठीक है, यू आर जनरेटिंग रिएक्टिव पावर। माइनस क्यू का मतलब है यू आर कंज्यूमिंग पावर। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं प्लस क्यू तो इसका मतलब यू आर डिलीवरिंग पावर, अगर मैं लिखता हूं माइनस क्यू यू आर कंज्यूमिंग पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर क्यू हो गया, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड एट लीड लैगिंग पावर फैक्टर्स। लीडिंग पावर फैक्टर में हम क्यू को डिलीवर करते हैं किसी भी सिस्टम पे। ठीक है, दिस मशीन विल बी डिलीवरिंग रिएक्टिव पावर्स, ठीक है, एट लीडिंग वार्स। ये चीज क्लियर हो गई? अब ठीक है, अब देखो, हम एक्साइटेशन कंट्रोल करके वी आर ऑपरेटिंग द सेम मशीन ओवर लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर्स, वी आर ऑपरेटिंग द सेम मशीन एट नॉर्म यूनिटी पावर फैक्टर, वी आर ऑपरेटिंग द सेम मशीन एट द ओवर एक्साइटेशन, सॉरी दिस पार्ट, यानी कि जहां पे हम रिएक्टिव पावर सप्लाई कर पा रहे हैं। तो जब ये वाले पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे होगा क्या, हम सप्लाई ले पा रहे हैं और दे पा रहे हैं, रिएक्टिव पावर हम कंज्यूम कर पा रहे हैं और सप्लाई कर पा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे प्लांट में 30 MVAr की रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक ऐसी मशीन डेवलप करूंगा जो 30 MVAr रिएक्टिव पावर कर... तेरा आवाज सर नहीं आ वॉइस रहा। नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। अरे सर बोल ही नहीं रहे तो वॉइस कहाँ से आएगी यार? उनका फोन आ गया। बस सर बोल लेते सर, बोल यार सर वो रहे पता नहीं उनका फोन आ गया था। सर, एक मिनट रुक जाओ। ऑडिबल हूँ?
हेलो। यस सर, हाँ बताओ, क्या कह रहे थे, क्या यस सर, डिस्कस? आप ऑडिबल हो। हाँ मैं ये कह रहा था, मैं उस टाइम पे ये डिस्कस कर रहा था बेटा, रिएक्टिव पावर। आपको मान लिया एक प्लांट में अगर 30 MVAr की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस 30 MVAr को सप्लाई कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ कहीं पॉजिटिव इस रीजन में ऑपरेट कर रहा हूँ। बट थोड़ी देर में अगर मेरे को लगता है, सिंस कुछ पावर प्लांट में हमेशा सारी मशीन नहीं चलती है, मैं MVAr की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहां से 30 MVAr डेवलप नहीं करूंगा, केवल हेलो हेलो, जी बेटा सर, ऑडिबल हो ना? एक कॉल आ गई थी बीच में। जी सर, वॉइस आ रही है। माइक वो कैमरा यस यार, सर, एक कॉल आ गई थी, उसको कैंसिल करने के चक्कर में भी डिस्कनेक्ट हो जाती है चीज़ें। ठीक है चलिए, तो आई वाज डिस्कसिंग, जितनी आपको रिएक्टिव पावर चाहिए उतनी आप रिएक्टिव पावर आप लेते हो, उतनी ही आप रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हो प्लांट में, ठीक है, एंड उतनी ही आप जनरेट करते हो। ऐसा नहीं है अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ऑपरेट कर रहे हो, यानी 30 MVAr जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सप्लाई कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपको 15 MVA पे आना है, तो द सेम मशीन कैन ऑपरेट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी रिएक्टिव पावर आप इससे डेवलप कर सकते हो, उतनी ही आप इस चीज से सप्लाई कर सकते हो। ओनली आपको करना क्या है, डीसी एक्साइटेशन आपको कंट्रोल करनी है। डीसी एक्साइटेशन कंट्रोल करने के बाद रिएक्टिव पावर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मशीन रिएक्टिव, किसी भी प्लांट ओवरऑल प्लांट की रिएक्टिव पावर कंजम्पशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, ठीक है, बेस्ड अपॉन एक्साइटेशन। तो इसलिए इस की वजह से ओवरऑल प्लांट का पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो इसको, इस मशीन को स्पेशली सिंक्रोनस मोटर को कहा जाता है, सच कंडीशंस में पावर फैक्टर मॉडिफायर। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? व्हाट इज पावर फैक्टर मॉडिफायर? पावर फैक्टर मॉडिफायर में क्या हो रहा है, दिस कंप्लीट मशीन में हमारा जो जितनी भी पूरी पावर प्लांट की सप्लाई रिक्वायरमेंट थी वो सप्लाई फुलफिल हो जाती है। ठीक है, बताओ और कुछ, कोई डिस्कशन ऑफ पॉइंट? दिस फेजर डायग्राम इज क्लियर टू यू? फेजर डायग्राम में सबसे पहले मैं एक बार और बना देता हूँ, बता देता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वी रेफरेंस लाइन बनाई, देन आई हैव मेड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां से यहां तक मैंने इमेजिनरी एक्सिस बना ली, ठीक है, वाई एक्सिस। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लोकस बनाया, लोकस ऑफ ई एफ कॉस डेल, ठीक है, सॉरी ई एफ साइन डेल। यहां से हमने बनाया ये स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वी विच इज एक्टिंग एज ई एफ साइन डेल। देन सेकेंड लाइन हमने बनाई थी दिस आई ए कॉस फाई की, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट, ये दोनों पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे थ्रू आउट, बिकॉज द पावर सप्लाइड टू द मशीन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, द रियल पावर सप्लाइड टू द मशीन इज कांस्टेंट, तो ये चीजें आपकी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, नॉर्म मैंने तीन एक्साइटेशन पॉइंट लिए, एक एक्साइटेशन पॉइंट यहां लिया, दूसरा एक्साइटेशन पॉइंट वर्टिकली इसके डाउन पैरेलल लिया, एंड थर्ड एक्साइटेशन पॉइंट इससे आगे लिया। ठीक है, तो इस केस में मैंने ये चीज मेजर करी कि सिंस आई ए ड्रॉन एट दिस नो लोड, नो लोड पे दिस आई ए इज ऑलमोस्ट वेरी लेस, तो ऑलमोस्ट हमने ये चीज इसके इक्वल होती है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। ठीक है, तो ई एफ इज कंपेरेबल टू वी,
जिसकी वजह से ये दोनों वेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं। तो नॉर्मल एक्साइटेशन वो एक्साइटेशन है जहां पे जो फेजर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज द केस वेयर अ नॉर्मल एक्साइटेशन लाइज। अगर इससे नीचे है तो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर आता है, यानी कि इसका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है, वी आर ऑपरेटिंग एट क्यू कंज्यूम, ठीक है, ऑपरेटिंग एट माइनस क्यू, यानी कि रिएक्टिव पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द मोटर। एंड अगर एक्साइटेशन बढ़ा देंगे तो फाई जो है वो लीडिंग में पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है इट इज सप्लाइंग पावर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा ग्राफ बनता है। तो प्लॉट बिटवीन आई ए एंड आई एस इज नोन एज वी कर्व्स। व्हाई वी कर्व्स? बिकॉज दे आर इन ऑफ इन शेप ऑफ वी एक्चुअली, ठीक है। तो इस फैमिली ऑफ कर्व को हम कहते हैं वी कर्व्स। अब एक कर्व और बनता है, दैट इज बिटवीन पावर फैक्टर कॉस फाई एंड आई एस, ठीक है। मैं इस डायग्राम को मिटा के इसकी जगह वो बनाता हूं, ठीक है। तो जब हम पावर फैक्टर हम क्या है पावर फैक्टर ये है हमारा कॉस फाई, जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, एंड यहां है हमारे पास आई एफ, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा एक्साइटेशन इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें वी कर्व्स मिलते हैं। तो दे आर अपोजिट टू वी, तो इसलिए हम कहते हैं इन्हें इन्वर्टेड इन्वर्टेड वी कर्व्स, ठीक है। दीज कर्व्स आर नोन एज इन्वर्टेड वी कर्व्स। यहां पे ये नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है, केवल ये पॉइंट्स, ठीक है। एंड इसके इस साइड, इस पॉइंट के इस साइड होता है हमारे पास द अंडर एक्साइटेशन, एंड इसके इस साइड होता है हमारे पास ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। यहां पे हमारी मशीन ऑपरेट करती है एज माइनस क्यू, यहां पे ऑपरेट करती है एज प्लस क्यू, ठीक है। तो ये अदर मेथड अदर दूसरे तरीके से हमें देखने का वो है मेथड, ठीक है। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टर देखना है तो पावर फैक्टर की टर्म्स पे एक्साइटेशन हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो दीज कर्व्स आर नोन एज वी कर्व्स। जो प्रीवियस कर्व है वो कहलाता है इन्वर्टेड वी कर्व्स, ठीक है। अब इन द मीन वाइल शायद आपके पास क्विजेस जनरेट होके आए होंगे, ठीक है। यस सर, इन द मीन वाइल, हाँ, आपके पास कुछ क्विजेस जनरेट होके आएंगे। क्या इधर 401 बता रहा है, पता नहीं क्यों बेटा, एक बार एक बार ऐप को इधर 401 एक बार आप ऐप को क्लोज करके दोबारा से लॉगिन कर लो, है ना। आप वो क्विजेज आए होंगे आपके पास, मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूं, देखता हूं। हां, दो ऐप क्लोज कर लो या जो भी है गूगल क्रोम में खोला हुआ। यस सर, क्विज है, दो क्यों जा गए हैं? हाँ, दो नहीं आए होंगे बेटा, तीन आ गए होंगे अब तक तो शायद। जी सर। हाँ, तो तीन क्विजेस आए, तीन आए। यस सर, तीन आ गए। सिंपल सिंपल चीजें हैं।
हो गया सर सारे हो गए। हाँ चलिए ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इस यूनिट में आता है ठीक है, दैट इज द व्हाई द सिंक्रोनस मशीन इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर हम इस मशीन को, मतलब बहुत सारे नाम्स हैं सिंक्रोनस कंडेंसर ठीक है, पावर फैक्टर मॉडिफायर, हम ऐसा क्यों कहते हैं, व्हाई दिस मशीन इज एक्चुअली नोन एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर और पावर फैक्टर मॉडिफायर। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, यही चीजें आपके साथ अब मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कशन पॉइंट है मेरा, 5-10 मिनट रह रहे हैं आपके, तो मैं आपसे यही चीज डिस्कस करूंगा कि व्हाई इट इज नोन एज पावर फैक्टर मॉडिफायर। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इसी फेजर डायग्राम, मतलब इन्हीं फेजर डायग्राम्स एंड ग्राफ्स की हेल्प से हम ये चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ओवर एक्साइटेशन के टाइम पे ठीक है, ड्यूरिंग ओवर एक्साइटेशन द मशीन इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर्स एंड इट इज सप्लाइंग रिएक्टिव पावर टू माय प्लांट। अगर मैं प्लांट के पैरेलल में लगा रखे ये मैंने मोटर, तो ये मेरी रिएक्टिव पावर इस चीज को सप्लाई कर पा रही है। तो अगर मैं रिएक्टिव पावर इस चीज को सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा क्या है, द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव स्क्रीन हैज गॉन। सर आप ऑडिबल नहीं हो सर। बेटा सम मतलब आई थिंक ये समराइज फॉर्म चीज हमें मिल गई है कि हम रिएक्टिव पावर सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में रिएक्टिव पावर हम सप्लाई कर पा रहे हैं, एज अ रिजल्ट जब रिएक्टिव पावर हम सिस्टम में सप्लाई कर पाते हैं तो हमारा ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पावर फैक्टर मॉडिफायर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, अगर किसी को इसमें कुछ ऐड करना है तो बताए या किसी को कोई चीज डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द टॉपिक तो वो मुझे बता सकता है। विकास बेटा प्रॉब्लम है आपको? यस सर। सर अभी नहीं है, मैं हाँ बाद में बताओ। पूछ लूंगा। अच्छा नहीं इसी में अगर सर बस वो जो सर आपने अभी वो क्वेश्चन बताया था सर, एक बार उसका आंसर बता दो। विकास मैं बताता हूँ बेटा एक मिनट। हाँ विकास पूछो। सर वो दरअसल नोट्स में जो आपने हंटिंग का लास्ट वाले चीज लिख रखी है ना, वो मुझे दरअसल समझ में नहीं आई है, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड सी लग रही है। चलो मैं देखूंगा, सिंपलीफाई कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, हंटिंग भी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा हंटिंग फेनोमेना क्या है। ठीक है, हंटिंग फेनोमेना बस इतना याद रखो, द रोटर इज मूविंग एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है एंड सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करते करते वो आगे और पीछे होता है सिंक्रोनस स्पीड, यानी कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हंटिंग कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है उसके रीजन जान लो एंड उससे होता क्या है। ठीक है, किसी भी डिवाइस में सिंक्रोनिज्म लूज हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, पता लगा स्विंग्स आ गए सिस्टम में तो क्या होता है, स्विंग्स आने पे जो इनस्टेबिलिटी है वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस चीज को आप जब फर्दर स्टडीज आप करोगे तो ये आप पढ़ोगे डायनामिक्स ऑफ मशीन्स में। ठीक है, दैट इज एन एमटेक टॉपिक, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, दैट इज एन एमटेक टॉपिक, डायनामिक्स ऑफ मशीन में ये चीज पढ़ी जाती है
आप समझना है तो समझने के पर्पज से आप अलग से आ जाना मेरे पास, मैं किसी दिन समझा दूंगा, ठीक है? गूगल क्लासरूम के ओके थ्रू ही सर, आ जाना, आप मेरे को बोल देना किसी दिन, जिस दिन आप फ्री हो उस दिन मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करूँ, ठीक है? एंड ओके सर। हाँ, कुछ कुछ और एक चीज थी, यस, क्वेश्चन वाज कि व्हाई दिस मशीन इज एक्चुअली मतलब नोन एज पावर फैक्टर मॉडिफायर, इस यही क्वेश्चन था बेटा ऋषभ, यही क्वेश्चन था ना? यस सर, हाँ, तो यस बेटा सर। पावर फैक्टर मॉडिफायर, सबसे पहले तो आपको ये समझना है पावर फैक्टर मॉडिफायर में होता क्या है। किसी भी तरीके से पावर फैक्टर मॉडिफाई करना, पावर फैक्टर मॉडिफाई कब करता कब होता है, जब या तो आप रिएक्टिव पावर उसको सप्लाई करो या किसी तरीके से उस सिस्टम की रिएक्टिव पावर को कम कर पाओ, ठीक है? तो हमें क्या है, पावर फैक्टर मॉडिफाई करने का प्राइम रीजन मतलब कैसे किया जाता है, वो किया जाता है बाय सप्लाइंग रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम। किसी भी तरीके से अगर आप रिएक्टिव पावर उसको सप्लाई कर पाओ तो वो चीज पावर फैक्टर को मॉडिफाई करती है, ठीक है? इसीलिए कभी भी देखा होगा कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं पैरेलल में। कैपेसिटर्स बेसिकली क्या क्या करते हैं, रोल तो बहुत सारे हैं कैपेसिटर्स के, लेकिन प्राइम सबसे बड़ा रोल एक ये भी है कि वो किसी के भी पैरेलल में लग के वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर पाते हैं। एंड जब तक वो रिएक्टिव पावर आप सप्लाई कर पा रहे हो तब तक आप उनकी पावर फैक्टर को मॉडिफाई कर पाते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पावर फैक्टर मॉडिफाई यस सर, हो जाती है, ठीक है? तो यहां पे भी आप देख सकते हो, जब हम मशीन को ओवर एक्साइटेशन पे लेके जाते हैं तो मेरी मशीन रिएक्टिव पावर सप्लाई कर पाती है, ठीक है? आपके मतलब प्लांट में अगर ये मशीन लगी हुई है, आप इसको ओवर एक्साइटेशन पे लेके जाते हो तो प्लांट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज सारा 100% सप्लाई कर लेगी। मान लिया इस मशीन की कैपेसिटी है कि मैं 15 MW एम्पेयर, ठीक है, MVAR, इतनी ही सप्लाई कर पाती है, एंड मेरे प्लांट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट है लेट अस कंसीडर 25 MVAR, ठीक है? तो ये मशीन इसको 15 MW तो सप्लाई कर पाएगी, लेकिन बचे हुए 10 वो फिर भी पावर फैक्टर पे जाएंगे, यानी सॉरी पावर सिस्टम तक जाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल पावर फैक्टर जो IA या सorry, ये कह लो IL, द लोड जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि हम यहां भी देख सकते हैं, अगर यूनिटी पावर फैक्टर रहता है तो करंट ड्रॉन इज मिनिमम, ठीक है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर, रियल पावर, ठीक है? एंड अगर हम इस चीज को यहां पे लेके जाते हैं, जैसे ही हमने लैगिंग पावर फैक्टर लिया तो सेम अमाउंट ऑफ पावर डेवलप करने के लिए द करंट वैल्यू इज इंक्रीज्ड, ठीक है? तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे प्लांट का, जैसे आप MIET की बात करो तो MIET में भी एक पावर फैक्टर मॉडिफायर लगा हुआ है, ठीक है? मैंने आपको लास्ट टाइम विजिट कराया था सब स्टेशन, यहाँ जो आपका वो सामने जनरेटर स्टेशन लगा हुआ है वहां पे पावर फैक्टर मॉडिफायर के वेरियस वेरियस उसके यूनिट्स के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं पैरेलल में। वो क्या करते हैं, वो पूरे MIET कैंपस का पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, ठीक है? विच इज वेरी वेरी क्लोज टू यूनिटी, ठीक है? अब ये चीज पहले जनरेटर्स के थ्रू, सॉरी हाँ, सिंक्रोनस मोटर्स के थ्रू हुआ करती थी, अब स्टैटिक सिस्टम्स एम्प्लॉय हो गए हैं, जिसे हम SVC या मतलब SVC स्टैटिक वार कंपनसेटर कहते हैं, ठीक है? स्टैटिक वार कंपनसेटर, तो वार कंपनसेटर पैरेलल में डाले जाते हैं, ठीक है? मैं नाम लिख देता हूँ, आप अगर पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ सकते हो, STA स्टैटिक VAR वार्स कंपनसेटर, ठीक है? इन चीज का यूज होता है SVAR, S स्मॉल VAR, ठीक है? SVARs का यूज करते हैं हम, क्लियर? तो अब ये सिस्टम यूज नहीं होता है, इसकी जगह पे हम यूज करते हैं SVAR सिस्टम, बट द बेसिक प्रिंसिपल लाइज ओवर हेयर इटसेल्फ। तो जब आप मशीन पढ़ रहे हो, अगर ये मशीन लगी हुई है, तो अब इस मशीन के दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं? ये मशीन लोड पे भी ऑपरेट हो सकती है, ये नो लोड, ये
हाफ लोड, ये फुल लोड, ठीक है। तो अगर इस मशीन को आप फुल लोड पे भी ऑपरेट कराओगे, यानी आप मैकेनिकल एनर्जी भी ले पा रहे हो, द सेम मशीन इज डेवलपिंग मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज इट इज मॉडिफाइंग द पावर पावर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी कि एक एक चीज से दो काम हो गए, तो डबल बेनिफिट हो गया इस चीज का, ठीक है। यस सर। चलिए, और एनीथिंग एल्स, एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड नाउ? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।